फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत प्राउड की बात है क्योंकि मेरा बॉर्न गुजरात में हुआ है और पहली बार गुजरात की टीम आ रही है जो हमेशा रहेगी और उसको कैप्टन करने का मौका मिल रहा है। सो काफ़ी प्राउड है और घर वाले बहुत खुश हैं, मैं खुश हूँ। और दूसरी बात जर्सी लॉन्च की, जर्सी लॉन्च ऑब्वियसली बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सुंदर है। काफ़ी सोच गए, काफ़ी एक्चुअली काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में, लेकिन आखिरी में जो भी रिजल्ट आया उससे बहुत खुश हैं। हार्दिक, गुजरात की टीम है, आप गुजरात से बिलोंग करते हो, क्या चैलेंजेस रहेंगे? लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो क्या फुलफिल कर पाएंगे? कोशिश तो पूरी हमेशा रहती है फुलफिल कर पाए, और चैलेंजेस तो लाइफ में कब नहीं हुआ है, लाइफ में चैलेंजेस हमेशा आएंगे। वो आपका काम ही होता है, वो चैलेंजेस को आप, ऑब्स्टिकल को आप कंप्लीट कीजिए और बस मेहनत करते रहे। और रिजल्ट का तो किसी ने ना कभी गारंटी दिया है ना दे पाएगा, बट एक चीज़ रहेगी, हमारी कोशिश पूरी रहेगी दैट हम पूरा दिल से खेलें और गुजरात फैंस हमारे हमारे खेल से प्राउड रहे। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जर्सी लॉन्च, जिसका सबको इंतजार था, काफ़ी सारे फैंस भी निगाहें रखे हुए थे कि कब टीम की जर्सी लॉन्च होगी, और वो दिन आ गया है 13th of March एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, देखिए T20 क्रिकेट IPL हमने देखा है कि जितने साल से हो रही है कि कितना फास्ट पेस गेम है और जो हार जीत का फासला है वो बहुत कम कम मार्जिन रहता है, तो हम उस चैलेंज के लिए तैयार हैं। मैंने खेला भी है IPL, काफ़ी साल कोचिंग पहले भी करी है, तो वी आर अवेयर ऑफ ऑल दोज काइंड ऑफ चैलेंजेस। और जब आप बात करते हैं कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्ट की या और कहीं पे भी लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं, एंड दिस IPL विल बी नो डिफरेंट। और हमको पता है किस तरीके के चैलेंजेस और क्या क्या करना है सक्सेस लेने के लिए, और वो सब काम हम कर रहे हैं। आशीष जी, खास करके इस बार दो ग्रुप्स में मैचेस खेली जाएगी, तो क्या लगता है कि गुजरात किस तरह से ये पूरा हैंडल कर पाएगा? नहीं देखिए, इससे पहले भी एक दो बार हुआ जब पहले 10 टीम थी कि इस तरीके का फॉर्मेट हमने पहले भी देखा है। और इन द एंड जब आप बात करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स की, तो आपको अच्छा खेल तो दिखाना ही होगा, चाहे वो एक ग्रुप हो या दो ग्रुप हो। और जब आप अच्छा खेल रहे हैं तो आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं, और ख़ास तौर पर इस फॉर्मेट में, जैसा मैंने अभी कहा कि हार जीत का फासला इतना बहुत पास पास का है, तो अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और मैंने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक पूरा चेक भी नहीं किया कि हमारे ग्रुप में अगर कोई मुझसे अभी पूछे कि कौन सी चार टीम है, तो शायद मेरे को तीन याद है, एक याद भी नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों में मैं मानता हूँ कि इतना जैसे जैसे टाइम क्लोज आएगा आप करेंगे उस पर वर्कआउट, पर इन द एंड आपको यू हैव टू प्ले वेल। आशीष जी, चेन्नई और RCB है, तो कैसे देख रहे हैं? पहले तो चेन्नई है तो फिर नहीं, देखिए अब जैसा मैंने अभी कहा कि अगर चेन्नई RCB हो या बॉम्बे पंजाब हो, जो भी, ये सारी की सारी टीम्स ऐसी हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं कि दूसरी टीम्स क्या करती हैं, दूसरी टीम्स को आप जानते नहीं हैं। जितने भी प्लेयर्स हैं गुजरात टाइटन के पास, वो पहले किसी ना किसी फ्रेंचाइजी से, जैसे मैंने स्टेज पर भी कहा कि खेल चुके हैं, सब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको तैयारी करनी, अपना प्रोसेस राइट रखना है। और केवल वो हम नहीं, हर टीम को करती है, पर अंत में जो टीम बेहतर खेलती है वो जीतती है। और IPL में हमने काफ़ी सालों से देखा है कि आपको लगातार बार बार कभी भी आप छोड़ नहीं सकते। हमने देखा है टीम्स जो 6-6 मैच जीत के भी क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई कर रही हैं और टूर्नामेंट जीती हैं। और इस फॉर्मेट में जो इतना फास्ट पेस फॉर्मेट है, आपको कभी भी होप नहीं छोड़नी, आपको लगे रहना, और वही काम हम कर रहे हैं। और कोई भी टीम अगर आएगी, अगर आप अच्छा करेंगे तो ज़रूर को हराएंगे। एक प्लानिंग के साथ आप ऑप्शन में गए थे, जैसन को क्या, फिर वो है नहीं टीम के साथ, गुरबाज के साथ वो नया खिलाड़ी है, कैसे देखते हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को? क्योंकि लोग अभी, फैंस भी सवाल उठाते हैं कि ज़्यादा बैट्समैन नहीं है और उसमें से अब जेसन अब टीम में नहीं है, तो कॉम्बिनेशन पूरा बिगड़ेगा। नहीं देखिए, जेसन नहीं है, पर उसके अलावा आपके पास रिप्लेसमेंट काफ़ी सारी हैं। और जेसन रॉय जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल पूरी दुनिया में जो चीज़ें चली हैं कि बबल में रहे हैं, यंग फैमिली, आसान नहीं किसी भी प्लेयर के लिए भी, और हम समझ सकते हैं, वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, पर हमको उनके बदले बहुत अच्छे एक और यंगस्टर गुरबाज मिल गए हैं। और जैसा भी आपने कहा कि फैंस पूछ रहे हैं कि कोई बैट्समैन नहीं है, तो जहाँ तक मुझे अपनी टीम दिखती है तो हमें तो नंबर 8 पे राशिद खान दिखते हैं, तो आई डोंट नो फैंस को कितनी बैटिंग चाहिए। और या फिर एक होता है ना कभी कभार कि वो नाम एक दो अगर और हों जो सो कॉल्ड लोग सोचते हैं बिग नेम्स, पर IPL ऐसा टूर्नामेंट है कि, और स्पोर्ट्स में भी आप हर साल एक नया स्टार देखते हैं। देखिए अगर आप एक साल पहले वेंकटेश अय्यर किसी को पता भी नहीं था कि कौन है, या आप 2-3 साल पहले देवदत्त पड़िकल किसी को पता नहीं था, और IPL में हर साल नए स्टार्स आते हैं। और ऐसा ही गुजरात टाइटन्स भी करने की कोशिश करेगी कि जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि इन द एंड IPL में आपके पास, जी हाँ, इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, 4 फॉरनर, इंडियन इंटरनेशनल भी होते हैं, पर जिस टीम के डोमेस्टिक प्लेयर्स अच्छा करते हैं उस टीम के ज़्यादा मौके बेहतर बनते हैं, एंड वी हैव सम ग्रेट यंगस्टर्स। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं
इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ।